どうも。<music> कृष्णा आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी मदन सुंदर प्रभु जी ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स यूएसए में रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया है जिसके लिए सन दो में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी एम्प्लॉय एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया भगवत गीता के संदेश और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लौटे तथा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के छात्र के रूप में इस्कॉन से जुड़ गए प्रभु जी इस्कॉन पुणे में कॉरपोरेट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फोरम के निदेशक के रूप में सेवारत हैं, जो कॉरपोरेट्स, शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं प्रभु जी टी टी एल परसिस्टेंट एसेंचर स्टर्लिंग हेल्थ केयर ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज बसिम बॉयसेस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आदि अन्य कई संगठनों में सत्र आयोजित कर चुके हैं जिसमें उनका लक्ष्य कार्यस्थल में सचेतन मानसिकता के साथ आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साझा करने में प्रभु जी को विशेष आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है वह इसी कारण प्रभु जी ने भगवत गीता, महाभारत रामायण और श्रीमद्भागवतम भागवतम पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी के श्रीमुख से धन्यवाद हरे कृष्ण ओम अज्ञान शलाकया ज्ञाजनाशलाक चक्षुरोन्मील तस्मा श्री गुरुवे नमः हरे कृष्ण आप सभी का स्वागत है इस भगवद्गीता सार कार्यक्रम में और आज हम भगवदगीता के दूसरे अध्याय से वर्णन करना शुरू करेंगे पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे पांडवा साइड और कौरवस की जो सेना थी दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हैं युद्ध शुरू होने ही वाला है शंख बच चुके हैं सब लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र बाहर निकाल लिए हैं पर उस समय अर्जुन कृष्ण को बोल बैठते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए और उसके बाद पूरी कहानी बदल जाती है और उस समय हमने क्या देखा कि अर्जुन अपने आंखों के सामने खड़े हुए बीच में पितामा द्रोणाचार्य इत्यादि को देख इतने परेशान हो जाते हैं इतने विचलित हो जाते हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों को के संग कैसे युद्ध कर सकता हूँ मैं कैसे उनको मार सकता हूँ कि नहीं कर सकता उस कारणवश वो इतने विचलित हो जाते हैं कि संजय बताते हैं पहले अध्याय के समापन तक कि अर्जुन काँप रहे हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा और गांडीवा वो उनके कंधे से फिसल रहा है और दूसरा अध्याय का पहला श्लोक भी कुछ ऐसे ही शुरू होता है जहाँ संजय दृतराष्ट को बोलते हैं हे धतराष्ट अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए हैं वो रो रहे हैं और उन्होंने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा हुआ है और वो अफसोस मना रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करने वाला हूँ इस प्रकार दूसरा अध्याय शुरू होता है गीता का दूसरा अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग या इसको इसका दूसरा शीर्षक यह है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज मतलब क्या है ये जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय है ये सम्पूर्ण भगवदगीता का सारांश माना जाता है इसमें भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता का समस्त ज्ञान इस दूसरे अध्याय में दिया हुआ है तो फिर तीसरे अध्याय से लेकर अठारहवें अध्याय की क्या आवश्यकता है तीसरे अध्याय से लेकर अठारहवें अध्याय तक तो इस जो ज्ञान को जो भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश या वचन को दूसरे अध्याय में बोलते हैं उसका और अधिक विश्लेषण होता है प्रश्न उत्तर के रूप में तो इस दूसरे अध्याय में बहत्तर श्लोक हैं और इस दूसरे अध्याय में तीन प्रमुख विषय वस्तु पर वर्णन हुआ है या चर्चा हुई है पहली चीज आध्यात्मिक जीवन का मूल क्या है मतलब फाउंडेशन क्या है उसके बारे में पहली चर्चा होती है दूसरी जब व्यक्ति को ज्ञान हो कि वो शरीर नहीं आत्मा है तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है क्या उसके जीवन की शैली होती है वो दूसरा विषय वस्तु है और तीसरा जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है भगवान को प्राप्त कर लिया है उसकी जीवन शैली और उसके लक्षण कैसे होते हैं ये तीन प्रमुख चीज़ों पे इस दूसरे अध्याय में बात की गई है तो चलिए दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं जहाँ पे अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं और एक प्रकार से वो रो रहे हैं और यहाँ पर अर्जुन ना जानते हुए या ये कहिए उन्होंने एक प्रकार का निर्णय तो ले लिया कि मैं युद्ध नहीं लडूंगा पर फिर भी वो इतने विचलित हैं उन्हें नहीं समझ आ रहा सही क्या है गलत क्या है तो अब दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन अपनी दशा को और ना सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अब बोलते हैं आंखों में आंसू है याद रखिए गला भारी है अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव प्रक्षा धर्म सामूचे येह सीतम ब्रूहित शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से हे प्रभु मैं अपने मन की कमजोरी के कारण मैं भटक गया हूँ मुझे नहीं पता सही क्या है कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए आज तक तो मैंने आपको अपना दोस्त माना पर आज मैं घोषणा करता हूँ शिष्य स्म साधि माम त्वाम प्रपन्नम मैं आज आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए सोचने वाली बात है हर व्यक्ति के जीवन में जैसे हमने पहले कहा था कुछ कठिनाइयां आती हैं जब व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिनाइयां या ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं पहला ऑप्शन उस परेशानी का सामना करते करते ये कह देना कि बस अब मैं और सहन नहीं कर सकता कितने लोगों ने ऐसा सोचा है या करा भी है आई क्विट आई नॉट हैंडल दिस एनीमोर और दूसरा ऑप्शन कि हम अपने वरिष्ठों की शरण लेकर उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करें अर्जुन ने कौन सा मौका या कौन सा ऑप्शन चूज करा पहला या दूसरा अर्जुन दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं और पूरी विनम्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे मार्गदर्शन करिए और वो भगवान इस समय क्या कर रहे हैं रथ पे बैठे नहीं हुए वो अर्जुन के रथ के सारथी हैं और वहाँ पे अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं आप मेरा मार्गदर्शन करिए क्या अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति था आज व्यक्ति का अहंकार बहुत बढ़ गया है हर व्यक्ति सोचता है कि उससे कोई समझदार बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है किसी को दूसरे की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो गुरु की क्या आवश्यकता है मैं भगवदीता को स्वयं पढ़ के समझ जाऊंगा और भगवान से रिश्ता जोड़ूंगा अरे भाई कोई ओलंपिक्स में भाग लेने जाता है अगर दौड़ने के लिए भी अगर उस प्रतियोगिता में भाग लगता है तो उसको कोच लगता है स्विमिंग करता है तो कोच लगता है तो ये जो जीवन में दौड़ना है तो उसको लाइफ कोच या गुरु की आवश्यकता नहीं है सोचने वाली बात है तो अर्जुन इतने महान होते हुए पांडु के पुत्र कहिए तो इंद्र देवता के पुत्र थे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उनसे शक्तिशाली धनुर्धर कोई नहीं है तो सोचिए उनके अंदर कितना अहंकार और घमंड होना चाहिए वह तो देखिए अर्जुन की पहली बात तो अर्जुन के अंदर था नहीं अगर होता भी तो उन्होंने उस सब को साइड में रखकर विनम्रता के साथ आज गुरु की शरण ली है मतलब क्या है अंग्रेजी में कहावत आती है सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ एन ऑफन जिसका मतलब जब व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर रहा होता है तो सब उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं पर जीवन में असफलता मिलती है तो सब छोड़ के भाग जाते हैं नहीं मुझे नहीं पता तो अर्जुन हमें सिखाते हैं हमारे जीवन में जब परेशानी या कठिनाइयाँ आई तो हमें शरमाना नहीं चाहिए अपने वरिष्ठ या हमारे अध्यात्मिक गुरु से हमारे मार्गदर्शन के लिए हमें उनकी शरण लेनी चाहिए पहली बात और दूसरी बात अर्जुन अपने जीवन से सिखाते हैं जैसे मैंने कहा जब परेशानी आती तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि आई क्विट आई गिव अवे अर्जुन चाहते थे वो बट देखिए अर्जुन के जीवन से ही जैसे अंग्रेजी में दूसरी कहावत आती है फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस तो हमारे जीवन में कितने ही निराशजनक परिस्थितियाँ क्यों होना है कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए भगवद गीता जैसे ज्ञान और गुरु का आश्रय लेकर आगे बढ़ता रहना चाहिए वही हमें अर्जुन सिखाते हैं इस प्रकार अर्जुन श्लोक संख्या एक से लेकर श्लोक संख्या दस तक इस अध्याय दूसरे में इस चीज़ का वर्णन आता है कि कैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं और अब पहली बार कृष्ण भगवदगीता में कुछ बोलने वाले हैं जो ग्यारहवें श्लोक से लेकर तीसवें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जीवन का मूल क्या होता है उसका वर्णन करते हैं तो एक जो प्रामाणिक गुरु होता है वो सबसे पहली जो प्रथम शिक्षा अपने शिष्य को देता है वो ये है कि मैं कौन हूँ जब तक व्यक्ति को यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ मेरा अस्तित्व तो क्या है बाकी सब ज्ञान का को कोई मतलब नहीं है जैसे सारांश के रूप में यहाँ भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं अर्जुन तुम्हें लगता है तुम शरीर हो पर तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो जिस शरीर से तुम इतनी आसक्ति करते हो उस शरीर को तुमने अपने इस जीवन में कितनी बार बदल चुके हो तेरहवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्रो यति व्यक्ति जीवन में बार बार अपने शरीर को बदलता रहता है नवजात शिशु होता है तो उसको एक प्रकार का शरीर होता है जब टीनेजर होता है तो अलग प्रकार का शरीर जब मिडल एज मैन होता है या स्त्री होता है तो अलग प्रकार का शरीर और जब वृद्ध होता है तो अलग प्रकार का शरीर तो आपने इस जीवन में ही इतने बार शरीर बदल दिया तो शरीर से इतनी आसक्ति क्यों इसी प्रकार जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति उस शरीर को छोड़ देता है दूसरा शरीर अपना लेता है क्यों इतना चिंतन करना है तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के बीसवें श्लोक में कहते हैं न जायते वा कदाचन नाय भवित्वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो ना हन्यते हन्य माने शरीर अर्जुन तुम शाश्वत हो तुम आत्मा हो आत्मा का न कभी जन्म होता है कभी मृत्यु होती है मरता क्या है मरता तो शरीर है शरीर की जन्म होती है और शरीर की मृत्यु भी होती है तो अर्जुन सोचने लगते हैं प्रभु तो मृत्यु क्या है फिर मृत्यु के समय क्या होता है तो भगवान इस प्रश्न का जवाब जो अर्जुन के मन में उठा है उसका जवाब बाईसवें श्लोक में देते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को हे hey अर्जुन जब व्यक्ति जब उसके कपड़े फट जाते हैं तो उन कपड़ों को त्याग कर वो नए कपड़े पहनता है हाँ या नहीं उसी प्रकार जब व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है तो शरीर को वो त्याग कर नया शरीर अपनाता है उसी को मृत्यु कहा जाता है वाशाम शाम सिथा विह या नवा गृहणाति नरोपराणी तथा शारीराणी विहाय जीर्णाणी अनि समयाति नवानि दे नए शरीर को अपनाता है उसको मृत्यु कही जाती है जब वृद्ध होने के बाद व्यक्ति शरीर को त्याग देता है अर्जुन सोचते हैं प्रभु शरीर त्यागने के बाद क्या होता है तो भगवान कहते हैं अर्जुन जिस व्यक्ति ने शरीर त्यागा है सत्ताईसवें श्लोक में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है तो उसको दूसरा शरीर मिलता है जात ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत से चस्माद्रिहार्यते ना तो शोचित अर्सी जिस व्यक्ति का इस दुनिया में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है जितनी मृत्यु निश्चित है उतनी ही मृत्यु के बाद उसका जन्म भी निश्चित है मतलब पुनर्जन्म होता ही है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है तो हो सकता है अगर कोई आज का व्यक्ति कृष्ण के सामने खड़ा होता तो पूछ लेता भगवान आपने बहुत अच्छा लॉजिक बताया पर मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए मुझे प्रमाण चाहिए साइंटिफिक एविडेंस अगर दोगे तो मैं मानूँगा तो ठीक है साइंटिफिक एविडेंस दे देते हैं आज साइंस में अनेक अनेक प्रकार की इस सब्जेक्ट मैटर पुनर्जन्म को लेकर रिसर्च हो चुकी है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडी जो एक शब्द है ये जो व्यक्ति की स्थिति होती है उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है अगर आप इंटरनेट पर जाके खुद भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे जहाँ व्यक्ति को शरीर में रहते हुए शरीर के बाहर की अवस्था का ज्ञान हुआ नियर डेथ एक्सपीरियंस वो कहा जाता है जहाँ व्यक्ति मरने की अवस्था में है वो अपने प्राण वो अपने शरीर को त्याग कर उसकी आत्मा कहीं और जाकर किसी और जगह की अवस्था को समझ कर फिर वापस आ चुका है एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो उदाहरण दिए जाते हैं साइंटिफिक जर्नल में या व्यक्ति के पूरे शरीर को एनाशीशा दिया हुआ है उसके शरीर पर ऑपरेशन हो रहा है पर जो एनाशीशा से बाहर निकलता है वो व्यक्ति अपने शरीर पर हुए हर प्रकार के सर्जरी का पूर्ण रूप से विश्लेषण करता है कैसे पॉसिबल है और यही नहीं डॉक्टर आयन एन स्टीवनसन उन्होंने तीन हजार से अधिक साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा एविडेंसेस के द्वारा ये निर्धारित किया है कि रिन होता है तीन हजार केसेस को उन्हें सर्टिफाई किया है इसके अलावा अनेक अनेक किताबें लिखी हुई हैं रीन के ऊपर तो ऐसा नहीं है पुनर्जन्म की कहानी काल्पनिक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगर पुनर्जन्म हम शरीर नहीं आत्मा यह सच्ची बात है तो प्रश्न बनता है स्वाभाविक सा प्रश्न है अगर मैं शरीर नहीं आत्मा हूं तो मेरा कल आज से कैसे अंतर है उसमें क्या बदलाव है उसमें क्या अंतर होगा उस चीज का जवाब देने के लिए भगवान श्री कृष्ण इकतीसवें श्लोक से लेकर त्रेवन फिफ्टी थर्ड श्लोक तक दो प्रकार के धर्म का वर्णन करते हैं धर्म की परिभाषा क्या है धर्म क्या होता है भगवान श्री कृष्ण धर्म की परिभाषा देते हुए बताते हैं धर्म वो है जो व्यक्ति से कभी अलग ना किया जा सके धर्म को रिलीजन कहना धर्म की बेजती होगी क्योंकि रिलीजन एक बहुत छोटा सा शब्द है उसकी बहुत सीमित उसका समझ है पर धर्म क्या है धर्म वो है जो व्यक्ति से छीना ना जा सके कभी अलग ना किया जा सके केवल मनुष्य जीवन में नहीं चाहे वो पशु जीवन हो या पक्षी का जीवन हो चाहे पेड़ पौधे का जन्म हो धर्म निरंतर रहता है उदाहरण के रूप में चीनी का धर्म क्या है चीनी की ऐसी क्या आइडेंटिफिकेशन है जो उससे अलग नहीं करी जा सकती उसका मीठापन अगर शुगर से उसका मीठापन अलग कर दिया जाए तो शुगर का कोई महत्व तो नहीं रहा उसी प्रकार नमक नमक की आइडेंटिटी क्या है नमकीन अगर उस चीज़ को उससे अलग कर दिया जाए तो नमक नमक नहीं कहलाता तो नमक का धर्म हुआ नमकीन चीनी का धर्म हुआ मीठापन तो जीव का क्या धर्म है सोचिए तो जरा जीव का धर्म है सेवा हर जीव इस भौतिक दुनिया में या इस पूरे ब्रह्मांड में या आध्यात्मिक दुनिया कहीं पर भी जो जीव है किसी भी चौरासी लाख योनियों में क्यों ना हो वह सदैव समाज की अपने परिवारजनों की और अंत में अपने खुद इंद्रियों की सेवा करने में लगा है हाँ या ना आप में से कितने लोग हैं जो बाहर काम करके अपने परिवार का संरक्षण करते हैं जो नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई कितने लोग हैं जो अपने मन और इंद्रियों की सेवा करने में लगे हैं और कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं हर कोई सेवा करता है वो है धर्म की परिभाषा तो इकतीसवें श्लोक से लेकर तिरपन श्लोक तक भगवान दो प्रकार के धर्म बताते हैं हे अर्जुन दो प्रकार के धर्म होते हैं जीव के एक होता है स्वाधर्म और दूसरा होता है नित्य धर्म स्वाधर्म क्या है हमारा ऑक्यूपेशन, जिससे हम अपने शरीर अपने परिवारजन का पोषण करते हैं उसको कहा जाता है स्वाधर्म जो व्यक्ति अपने गुण और कर्म के प्रभाव या स्वभाव के कारण अपना ऑक्यूपेशन चुनता है और दूसरा होता है नित्य धर्म नित्य धर्म क्या है उसको कहा जाता है वो धर्म या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वो ड्यूटीज जो व्यक्ति अपने भगवान के संबंध को बनाए रखने के लिए पूर्ण करता है जैसे भगवदगीता का अध्ययन करना जैसे तीर्थ स्थलों पर जाकर भगवान को याद करना जैसे साधु संतों से भगवान के बारे में सुनना या हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करना भगवान की पूजा आराधना करना इसको नित्य धर्म कहा जाता है इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता में समझाते हैं हे अर्जुन जो व्यक्ति जीवन में प्रसन्न सुख और सफलता चाहता है उसका सिर्फ एक ही रहस्य है ये जो नित्य धर्म और जो स्वाधर्म है जो व्यक्ति इन दोनों को बैलेंस कर अपना जीवन चला पाए सही रूप से वही सक्षम है वही सफल है तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है प्रभु मैं तो करना ही नहीं चाहता स्वाधर्म मैं तो वन जाना चाहता हूँ आप मुझे क्यों स्वाधर्म का पाठ सिखा रहे हो तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मन की स्थिति को समझते हुए श्लोक संख्या थर्टी नाइन से आगे वर्णन करते हैं कर्मयोग या जिसको बुद्धि योग भी कहा जाता है सरांश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन आपको त्यागने की इच्छा है तो त्यागो कर्म को नहीं कर्म को भोगने की इच्छा को त्यागो इस प्रकार कर्म योग करते हुए योग क्या है जब व्यक्ति कर्मों को करता है पर कर्मों के फल से आसक्ति नहीं बनाए रखता कर्मों के फलों को भगवान की सेवा में समाज की सेवा में लगाता है तो सही मायने में उसको कर्मयोगी या रिनंसिएट कहा जाता है तो अर्जुन आप ऐसे कर्म करो और जीवन को सफल बनाओ इसलिए भगवान श्री कृष्ण फोर्टी सेवन श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कर्मनेवाधिकारस्ते माफ लेशु मा कर्म फल हेतु माते संगस्त कर्मणि तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन कर्म करने का तुम्हारा हक है पर कर्म के फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मतलब क्या है मैं कर्म करूं पर मेरे कर्म के फल पर मेरा अधिकार नहीं उदाहरण के रूप में अगर आपने कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया हो तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हर कोई व्यक्ति जब प्रतियोगिता में भाग लेता है या कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कुछ भी हर कोई व्यक्ति जीतना चाहता है या ना जब क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है तो जितनी भी टीम्स उस क्रिकेट मैच में भाग लेती है तो सब कोई वर्ल्ड कप जीतना चाहती हैं सब कोई मेहनत करता है पर में एक ही टीम विनर होती है जैसे आप प्रतियोगिता में भाग लेते हो तो उसमें टॉप थ्री विनर्स टॉप थ्री लोगों को ही प्राइज मिलता है तो मेहनत तो सबने करी वो तो फल कुछ लोगों को क्यों मिला विजय प्राप्त होने का मतलब क्या है भगवान के द्वारा भगवान कहते हैं अर्जुन वो कर्म का जो फल है वो मैं देता हूँ तुम ये नहीं कह सकते क्योंकि मैंने कर्म करा है तो मुझे सफलता मिलनी चाहिए आप क्रिकेट मैच जब चल रहा है तो आप ये नहीं कह सकते अरे भाई हमने तो यहाँ क्रिकेट में भाग लिया था तो वर्ल्ड कप तो हम ही लेंगे भाग लेने से मतलब नहीं आपको वर्ल्ड कप मिलेगा काम करने से नहीं इसका मतलब काम का फल मिलेगा जब भगवान की इच्छा होगी तो भगवान ही आपको काम का फल देते हैं इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन काम के फलों से आसक्ति मत रखो काम करो अपना ड्यूटी करो कार्य करो और कर्म के फलों को त्याग करते हुए मेरी सेवा में लगाते हुए आगे बढ़ो तो अर्जुन सोचते हैं बहुत अच्छी बात है प्रभु सही बात कहा तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है अर्जुन मनी मन में सोचते हैं प्रभु अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करता है तो उसको अपने जीवन में क्या प्राप्त होगा तो तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करे तो वो आत्माराम बनेगा उसको आत्मा साक्षात्कार होगा तो तब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं फिफ्टी फोर्थ या चौवन श्लोक में जो अर्जुन कहते हैं हे प्रभु ये आत्मा कौन है आत्मा के लक्षण कैसे होते हैं आत्मा चलता कैसे है आत्माराम बोलता कैसे है आत्मा बैठ, बैठता कैसे कृपा करके मुझे इस आत्मा के बारे में बताइए तो पचपन श्लोक से लेकर आखिरी श्लोक तक अब भगवान श्री कृष्ण इस आत्माराम व्यक्ति की परिभाषा या व्यक्ति के बारे में बताते हैं सबसे पहले आत्माराम व्यक्ति कौन है उसका लक्षण क्या है जो ये आत्माराम जो ये व्यक्ति है जो इस अवस्था को प्राप्त कर चुका है इसकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती उसके जीवन का सुख आनंद स्वाधर्म से नहीं नित्य धर्म से आता है कुछ लोग वर्कहोलिक हो जाते हैं हाँ या ना उनको अपने जीवन में सुख सिर्फ काम करने, करने से ही प्राप्त होता है और ये आत्मा कौन है उसको किसी भी प्रकार के भौतिक कार्य और कर्मों से कोई आनंद नहीं मिलता उसको सिर्फ नित्य धर्म या सनातन धर्म सिर्फ भगवान को याद करने से भगवान की आराधना भगवान का नाम लेने से ही उसकी जीवन की सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं ये है सबसे प्रथम लक्षण आत्माराम का तो आत्मा बोलता कैसे है तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं तो आत्मा व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है उस सिचुएशंस में तो भगवान बताते हैं जो व्यक्ति आत्मराम की अवस्था को प्राप्त कर चुका है चाहे उसके जीवन में सुख आए या दुख आए जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं जब जीवन में दुख आ जाए तो हम उससे भागने लगते हैं विचलित हो जाते हैं पर जो व्यक्ति आत्मराम की चेतना को प्राप्त कर चुका है ना ही सुख की अवस्था में उससे आसक्त होता है ना ही तो बहुत खुश होता है और जो दुख की अवस्था आई है ना ही उसमें रोता है सुखे दुखे समय कृतवा लाभ लाभ हो जया जया वो दोनों ही अवस्था को एक नजरे से देखते हुए बिना मन को विचलित करे हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है तो प्रश्न बनता है प्रभु वो बैठता कैसे है तो भगवान बताते हैं कैसे बैठता है बैठने का मतलब ऐसे नहीं जैसे मैं बैठा हूं बैठने का मतलब है कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे संयम में करता है आप में से कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि आज इंद्रियों को संयम करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया प्रकार के टैम्पटेशंस होते हैं तो इसलिए अर्जुन पूछते हैं तो ये आत्मा राम व्यक्ति अपने इंद्रियों पे मतलब कैसे बैठता है तो भगवान श्री कृष्ण उसको समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं टॉटॉइज का बताते हैं जब टॉटॉइज के जीवन में कोई खतरा आता है तुरंत अपने पैर हाथ को अपने शैल के अंदर कर लेता है उसी प्रकार जब आत्मा राम व्यक्ति जब भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो पूर्ण रूप से कार्य करता है जब भगवान की सेवा नहीं है तो मन और इंद्रियों को अपने अंदर संभाल लेता है मतलब भगवान पर ही एकत्र करता है उस प्रकार ये आत्मा राम व्यक्ति कभी भी इस दुनिया में रहते हुए भी विचलित नहीं होता और आखिरी हे प्रभु ये आत्माराम व्यक्ति चलता कैसे है मतलब ये आत्मा राम व्यक्ति अपने इंद्रियों को कैसे समाज में कैसे लगाता है कैसे उपयोग करता है मन और इंद्रियों का भगवान कहते हैं जो आत्मा राम व्यक्ति है क्योंकि इसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं रह गई है इसलिए अपनी इंद्रियों और अपने मन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा और मेरी भजन करने में करता है इसलिए जो आत्माराम जो व्यक्ति इस चेतना को प्राप्त कर चुका है कृष्ण कहते हैं इस अध्याय के आखिरी श्लोक में जो कि सत्तरवां उसके बाद भी दो तीन श्लोक हैं बट सेवेंटीएथ श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर चुका है वो हमेशा सुख और शांति का जीवन जीता है उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण एक एनालॉजी देते हैं श्लोक पढ़ते हैं उसके बाद उसको समझाते हैं कृष्ण कहते हैं सेवेंटीएथ श्लोक सेकंड चैप्टर आपुर्यमान चला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशंति यद तद्वत् कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति काम कामी जैसे समुद्र के अंदर अलग अलग नदियाँ उनका पानी बहता हुआ जाता है क्या समुद्र विचलित होता है नहीं होता उसी प्रकार जो ये व्यक्ति आत्माराम की चेतना को प्राप्त कर चुका है उसके अंदर अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएँ भौतिक इच्छाएँ जाती हैं बट वो कभी विचलित नहीं होता क्यों क्योंकि उसका भगवान के संग संबंध इतना इतना स्ट्रांग हो चुका है एक तरीके से कि वो अब किसी भी कारण किसी भी स्थिति में विचलित नहीं हो सकता इस प्रकार ये दूसरा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है जहाँ सारांश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तीन विषयों के ऊपर प्रमुखता से बात करते हैं पहली चीज आध्यात्मिक जीवन का मूल ज्ञान क्या है फाउंडेशन नॉलेज वो है आत्मा हम शरीर नहीं हम आत्मा है जो एक प्रामाणिक गुरु है अपने शिष्य को सबसे पहले यही सिखाता है कि मैं कौन हूँ मैं ये शरीर नहीं भौतिक शरीर नहीं मैं तो शाश्वत सचित आनंद स्वरूप का आत्मा हूँ जो तो ना कभी मरता है ना कभी उसका जन्म होता है उसके बाद भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं अगर हम आत्मा हैं तो हमारा कल आज से कैसे अलग है आज तक हमने अपना जीवन से स्वाधर्म का पालन करने में करा है तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण दो धर्मों का उल्लेख करते हैं कि अर्जुन दो धर्म होते हैं नित्य धर्म स्वाधर्म स्वाधर्म तो आपका ऑक्यूपेशन हो गया और नित्य धर्म भगवान की सेवा और जो व्यक्ति इन दोनों धर्मों को साथ साथ करता रहे और कर पाए उसको उसमें बैलेंस कर पाए वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है कैसी सफलता आत्माराम की अवस्था प्राप्त करेगा जहाँ वो उस आत्मा की चेतना में पहुँचने के बाद उस व्यक्ति के मन से सारी भौतिक इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं और वो सिर्फ भगवान भगवान का नाम का ध्यान श्रवण और उसका पठन और दूसरों को सुनाने में ही उसकी सारी उसकी पुष्टि या ये कहिए उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त होता है बट भगवदगीता थोड़ा ना समाप्त हुई है अर्जुन के प्रश्न अभी भी पूर्ण नहीं हुए हैं इस भगवदगीता दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सारांश में सारा भगवदगीता का रहस्य बता दिया है बट अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्न अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं और दूसरे अध्याय के समाप्त होते तीसरे अध्याय में सबसे पहला जो श्लोक है वह अर्जुन प्रश्न उठाते हैं प्रभु आप साफ साफ बोलो मुझसे चाहते क्या हो मैं स्वाधर्म करूं या नित्य धर्म करूं मतलब एक प्रकार से क्या मैं सब कुछ त्याग कर आत्मा के समान जीवन व्यतीत कर सकता हूं हाँ या ना अगर आत्मा के समान जीवन व्यतीत करना सर्वश्रेष्ठ है तो क्यों मुझे बेवजह आप इस, इस इस धर्म युद्ध या इस युद्ध भूमि में धकेल रहे हैं कि युद्ध करो युद्ध करो क्यों ना मैं इस सब चीज़ को त्याग दूँ पाप कर्म भी नहीं मिलेगा आपको भूलूंगा भी नहीं और मैं इस प्रकार आत्मा राम का जीवन जी सकता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण उसका क्या जवाब देंगे उसके बारे में क्या बताएंगे क्या सही है क्या गलत है वो तो हम तीसरे अध्याय का जब अध्ययन करेंगे तब देखेंगे इसी के साथ दूसरे अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को अटेंड करने के लिए हरे कृष्णा जय श्रीला प्रभात। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767845845